क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैव स्टडी कर रहे थे। आई होप कि आपने जो भी पिछले पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आपने उनको गौर किया होगा और उसको ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो पिछली क्लास में हमने इसका जो सेकेंड सेगमेंट है सेकेंड पार्ट वहाँ तक हमने किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो टॉमी है ना, टॉमी जो है वो मार्जी को जी कहकर बुलाता है। जी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो आगे वो मार्जी से वो कहता है टॉमी कि कितनी बर्बादी है। एक बार अगर आपने वो सारी किताब पढ़ ली तो फिर आपको इसे बस फेंकना पड़ता है क्योंकि तो बिल्कुल ही वेस्टेज है ना। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ना, टॉमी मार्टिस कहता है जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है ना उसमें अ मिलियन बुक्स मतलब कि मिलियन बुक्स उसमें पहले से डाउनलोड होंगे। और इसके अलावा मिलियन बुक के अलावा भी इसमें बहुत सारे बुक्स की और भी व्यवस्था है जिसमें और भी बहुत सारे बुक्स डाउनलोड हो सकते हैं इसके अलावा। सो आई कुड नॉट थ्रो इट अवे, इसलिए मैं अपने कंप्यूटर को मैं कभी भी नहीं फेंकूंगा और इससे कोई बर्बादी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स वो जो किताब है जो कि पुराने जमाने में लिखी जाती थी उसको वे लोग वेस्टेज यानी कि प्योर बर्बादी प्योर वेस्टेज उसे बतला रहे हैं। इसके बाद मार्जी कहती है सेम विद माइन, शी वॉज 11 एंड शी सेड मार्जी। और मार्जी कहती है सेम विद माइन यानी कि वो भी इसी बात को एक्सेप्ट करती है कि उसके घर में जो कंप्यूटर स्क्रीन है जो कंप्यूटर टीचर उसके घर में है उसके साथ भी सेम चीज है। इसके बाद मार्जी आगे कहती है कि शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी है। बाद मार्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो 11 साल की एक लड़की है, शी इज 11 इयर्स ओल्ड गर्ल। और उसने शी हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी है, और उसने अभी उतनी सारे टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने देख रखी है। टॉमी उससे बड़ा है ना, ही इज 13 इयर्स ओल्ड बॉय। सो उसने ज़्यादा है ना उसने वो ज़्यादा टेली बुक्स देख रखी है मार्जी की अपेक्षा। सो शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो आगे मार्जी जो है वो टॉमी से पूछती है कि तुमने इस बुक को कहाँ मिला, तुम्हें ये बुक कहाँ मिला। तो टॉमी इसका रिप्लाई करता है कि इन माई हाउस है ना, इसे ये मेरे घर में मिला। एंड ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने इशारा करके बताया, ठीक है, उसने इशारा करके बताया, पॉइंटिंग करके बताया। और जब उसने इशारा किया तो वो उस ओर देख भी नहीं रहा था है ना, बल्कि उसका सारा ध्यान कहाँ था, उसका सारा ध्यान उस बुक को पढ़ने में था, ठीक है। तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने कहा इन द एटिक। स्टूडेंट्स एटिक का मतलब क्या होता है, एटिक का मतलब कि बगल में एक मार्जिन में जो वर्ड दिया हुआ है एक्स्ट्रा वर्ड, आप लोग उसका मीनिंग देखिए, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर। यानी कि रूफ के नीचे जो खाली जगह होती है जिसे लोग स्टोर रूम के रूप में यूज करते हैं उसे बोलते हैं एटिक। टॉमी ने मार्जी को आंसर दिया कि वो उसे एटिक में मिला, ठीक है। तो उसके बाद मार्जी जो आगे पूछती है कि ये किस बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, ये जो बुक है ये किस बारे में है। तो टॉमी से रिप्लाई करता है कि ये स्कूल के बारे में है, ठीक है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट 3। कहा जा रहा है कि मार्जी वॉज कॉल्ड टू स्कूल। तो स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी के चेहरे पर एक नफरत के भाव आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती है, वो स्कूल जाना नहीं चाहती। स्कूल के नाम सुनते ही उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते हैं। सो व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। और वो आगे कहती है कि आखिर स्कूल के
आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। इसके बाद आइए मार्जी के स्वभाव के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो है वो स्कूल को बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो उसके घर में उसके रूम में जो मैकेनिकल टीचर है, had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the form inspector. तो वो अपने जो मैकेनिकल टीचर था उसके घर में है ना, वो उससे बहुत नफरत करती थी और नफरत करने के कारण क्या था कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे ज्योग्राफी के टेस्ट में ज्योग्राफी में उसके बार बार से टेस्ट देने पड़ रहे थे, उसका बार बार टेस्ट लिया जा रहा था और उसका जो परफॉर्मेंस था टेस्ट में जो उसका परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उसका आ रहा था। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही खराब आ रहा था जब तक कि उसकी मदर ने उसका जो सर है वो बहुत दुख से नहीं थपथपाया फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा देंगे। काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि मैकेनिकल टीचर पे अगर कोई खराबी आ गई हो तो उसको वो ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जो मतलब फोर्थ पॉइंट आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आप इसे बाकी काम में आप कर लीजिएगा और पिछले पार्ट को स्टडी कीजिएगा। स्टूडेंट्स।